हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। लॉकडाउन से कोरोना की चेन टूटेगी क्या? आज जहां देखो लोग यही बात कर रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ईश्वर करे कि ऐसा हो जाए। कोरोना महामारी ने कुछ इस कदर लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है, केवल मामले नहीं बढ़ रहे बल्कि डेथ रेट जो है ग्रोथ रेट के साथ साथ डेथ रेट भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अपनों को खोने का जो गम है, जो बाहर चीखे हैं, जो चित्कार है वो अब और नहीं सुनी जाती। आज की बात कर ले, बीते 24 घंटे में 3,68,000 से ज्यादा मामले सामने आए, 3,417 रिकॉर्ड मौतें हुई हैं। ये और नहीं देखना है, इसके लिए हर संभव प्रयास करना है। रिपोर्ट देखें। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, आए दिन मामलों में उछाल आ रहा है। आज के ताजा आंकड़ों में हालांकि थोड़ी कमी आई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी एक दिन में 3,000 के पार है। आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं देश में कोरोना की वर्तमान स्थिति पर। देश में कोरोना बेकाबू, एक दिन में 3,68,147 नए मरीज, 24 घंटे में 3,417 मरीजों की मौत, एक दिन में 3,772 मरीज हुए डिस्चार्ज। अब तक कुल केस 1,99,25,604, अब तक 1,62,93,003 मरीज हुए ठीक, अब तक 2,18,959 मरीजों की मौत। देश में 34,13,642 एक्टिव केस, अब तक 15,71,98,207 वैक्सीनेशन। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को केंद्र और राज्य सरकारों को कोविड संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए लॉकडाउन पर विचार करने की सलाह दी है। देश की शीर्ष अदालत ने महामारी की दूसरी लहर का मुकाबला करने के उपायों पर अधिकारियों से सुनवाई के बाद इस संबंध में आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण की निरंतर वृद्धि को देखते हुए हम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कि वो वायरस के प्रसार को रोकने और खत्म करने के उपायों पर ध्यान दें। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कोरोना के इलाज के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति, मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की नीति और टीकाकरण अभियान का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्यों में ऑक्सीजन का आपातकालीन भंडार बनाने का निर्देश दिया है ताकि किसी भी स्थिति में मरीजों के लिए खतरा न हो। कोर्ट ने राज्यों को वैक्सीन महंगी कीमत पर मिलने पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा में भी राज्य सरकार ने एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया है। प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज ने भी ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि 3 मई दिन सोमवार से 7 दिन के लिए सारे हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। आइए इसी बीच नजर डालते हैं हरियाणा में कोरोना की वर्तमान स्थिति पर। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बरकरार, एक दिन में 13,322 नए मरीजों की पुष्टि, गुरुग्राम में 3,609 नए केस, फरीदाबाद में 1,755 नए केस, सोनीपत में 934 नए केस, हिसार में 879 नए केस, पानीपत में 794 नए मामले, करनाल में 773 नए मामले, सिरसा में 638 नए मामले, महेंद्रगढ़ में 583 नए केस, रोहतक में 525 नए मामले, भिवानी में 428 नए केस, जींद में 405 नए केस, यमुनानगर में 349 नए मामले, एक दिन में 145 मरीजों की मौत, अब तक 4,486 मरीजों की मौत, कुल मरीज 5,14,000 के पार, एक्टिव मरीज 97,000 के पार। कोरोना के इस माहौल में लगातार अपील की जा रही है कि लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें और बेवजह घर से बाहर ना निकले। वहीं स्वास्थ्य संगठनों का यहां तक कहना है कि लहर बीच मई के महीने में और पीक तक जाएगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का देश में पूर्ण लॉकडाउन का विचार कहीं न कहीं ठीक नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बड़ी खबर से पहले हम बात कर रहे थे, हालांकि ये सारी खबरें जुड़ी हुई हैं, कोरोना को कैसे दूर भगाएं, कोरोना पर कैसे लगाम कसे, इसे लेकर बात हम कर रहे थे लॉकडाउन की और लॉकडाउन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं जो आप और हम फेस कर रहे हैं उसकी
क्या इससे हम संक्रमण की चेन को तोड़ पाएंगे? इसका जवाब हाँ ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने और हमने बहुत सावधानी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ इस लॉकडाउन को निभा लिया तो हम कोरोना के चेन को जरूर ब्रेक कर पाएंगे, बहुत सारी मौतें नहीं होंगी, बहुत सारे लोग संक्रमित होने से बच जाएंगे। अपने भीतर जाकर देखिए कि आप कितनी ईमानदारी के साथ लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सही फैसला लिया है हरियाणा सरकार ने आज से लॉकडाउन, कई जगहों पर इसका बहुत शानदार असर दिख रहा है, लोग अपने घरों में हैं और सरकार को अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। कोरोना इस बार इतना घातक क्यों, क्या लगता है आपको, इस पर भी आप हमारे साथ जुड़िए। बीके यादव जुड़ गए हैं हमारे साथ, यादव जी बोलिए। नमस्कार बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद जी। सर टॉपिक पे आ जाइए प्लीज। हाँ जी हाँ जी, हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जो कोरोना का जो भयावह स्थिति होने जा रही है उससे पहले ही हमें सचेत हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। और जिस तरह से अभी सीएम साहब ने अपना स्टेटमेंट दिया है तो वो स्ट्रिक्टली सीएम साहब से भी हमारी समिति की तरफ से रिक्वेस्ट है, तुरंत लागू करें। जैसे 175 दिनों का 3 बार में भी ट्रेन में जो सख्त से सख्त लॉकडाउन लागू किया गया था उसी तरह भारत देश में भी लागू होना जरूरी हो गया है। और एक भयावह स्थिति है आज की, जो हमारी मेडिकल की व्यवस्था है बिल्कुल लचर व्यवस्था है, और तुरंत संभालिए सीएम साहब, अगर तुरंत नहीं संभाला तो कोर्ट भी आदेश देता है, कोर्ट के आदेश के बावजूद हमारी स्थिति संभालने में सक्षम नहीं हम, क्योंकि एकदम जो महामारी का जो कंट्रोल करने का जो हमारा कैपेसिटी है वो हमारे अंदर है ही नहीं, न तो डॉक्टरों की व्यवस्था है, न मशीनों की सुविधा है, न दवाइयों की व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। भारत देश की जो मेडिकल व्यवस्था है अगर मीडिया के माध्यम से पता चलता है हमें, और घूमने के बावजूद भी हमें हॉस्पिटलों में पता चलता है कि कुछ भी नहीं है सरकारी हॉस्पिटलों में, ना मात्र के बिल्डिंग मिलती है, कुछ भी नहीं है, जहां देखते हैं मशीनें खराब है, ना डॉक्टरों की सुविधा है, ना कुछ भी नहीं है। बड़े शर्म और दुख की बात है। और क्यों नहीं है, सिर्फ ये माननीय नेताओं की देन है आज तक, क्योंकि इनका इलाज आज तक सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं हुआ, बहुत कम हुआ है, क्योंकि इनका तो विकसित देशों में होता है या बड़े बड़े महंगे हॉस्पिटलों में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जो लाखों रुपए कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, उनमें होता है, क्योंकि इनके पास जनता का लूटा हुआ माल होता है 90% नेताओं के पास, तो अपना इलाज तो वो अपना पैसे वालों के पास करवाएंगे। रही बात गरीब आदमी की, गरीब आदमी इलाज नहीं करवा पाएगा आज की दुनिया में, नोट कर लेना। गरीब जनता से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, या तो अपना गहना बेचकर इलाज करवा, या जमीन बेचकर इलाज करवाएगा, या फिर अपने बच्चे बेचकर इलाज करवाएगा, गहने किसी के गिरवी रख करके। बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है, भारत विश्व गुरु था और आज आदमी पेशेंट दर दर भटक रहा है। एक हॉस्पिटल से मीडिया के माध्यम से पता चलता है पेशेंट का एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता, न ऑक्सीजन मिलती है। बड़े कमाल की बात है, अरे भारत देश के निवासियों जरा संभल जाओ। ये इन नेताओं ने जो लूटा हुआ मारा, मैं तो ये कहूंगा अभी लगा दो कोरोना महामारी में, प्राइवेट डॉक्टरों से भी नंबर निवेदन है, तुम भी निःशुल्क इलाज करो। ये बहुत ही संकट की घड़ी है, देश की संकट की घड़ी है, और देशी जितने भी बहुत है, शुक्रिया वो भी। आगे भी यादव जी जरूर जुड़ेगा, इनकी तरह आप भी फोन करें। कोरोना इस बार घातक क्यों है, क्या लगता है आपको, संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज क्यों हो गई, ये लॉकडाउन कितना जरूरी लगा आपको, और इस तरह से देश में भी लॉकडाउन हो जाना चाहिए क्या? क्या पिछले साल के मुकाबले हमने लॉकडाउन के जो अलग अलग चरण देखे थे और फिर धीरे धीरे हमने देश को खोला था, एक एक करके चीजें खोली गई थी वक्त लेते हुए, ये वही वक्त आ गया है ताकि लोगों की जान को कम से कम बचाया जा सके। आर्थिक गतिविधियां ना रुके, ये आपके हमारे लिए सबके लिए जरूरी है, लेकिन जान है तो जान है। कि आपको यह महसूस नहीं हुआ है तेजी के साथ प्रमी काम नहीं है, थोड़े दिन अगर हम सहूलियतें बरत लें, सावधानी बरत लें, घरों में इस कोरोना से छिप कर एक तरीके से रह ले, तो बाहर ये स्वतः ही खत्म नहीं हो जाएगा क्या? पिछली बार अनेकों ऐसे रिपोर्ट आपने देखे कि ये किस सतह पर कितने देर तक रुकता है,
और कैसे इसका खात्मा हो सकता है। बार बार आप साबुन से हाथ धो रहे हैं कि नहीं, मास्क पहन रहे हैं कि नहीं, सामाजिक दूरी को किस तरह से फॉलो कर रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं जिस पर फोकस करना होगा, लॉकडाउन के दरमियान भी करना होगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर क्या कह रहे हैं आप, दूसरी लहर कब तक, कोरोना का कहर कब तक? नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हमारे साथ जुड़े। कोरोना इस बार इतना घातक क्यों है? पिछली बार भी कोई कम घातक नहीं था, लेकिन इस बार और ज्यादा भयावह रूप है, बहुत विकराल रूप है, एकदम मौत की आगोश में ये पहुंचा रहा है लोगों को। कई लोग जब ठीक हो जा रहे हैं उसके बाद दिल का दौरा, जैसे दो एक केसेस निकलकर सामने आई, वो भी एक सिम्टम्स में किस तरह से चीजों को पहचाना जाए, मेडिसिन को लेकर क्या और ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि और क्या ऐसा किया जा सकता है कि लोगों को बचाया जा सके। ऑक्सीजन लेवल कम जितनी तेजी के साथ लोगों के भीतर हो जा रहा है, ये कोरोना पहले से भी कहीं ज्यादा तेजी के साथ अपना असर दिखा रहा है, काम कर रहा है। इस ये क्या जो नए 3 म्यूटेंट हैं पुराने कोरोना के साथ साथ, उसको पढ़े जाने का समय आ गया है कि आप उन सिस्टम्स को पढ़ें, उसको डायग्नोज करें और फिर उसको कितनी तेजी के साथ, ये कितनी तेजी के साथ हम उसका इलाज कर सकते हैं, ये तमाम चीजें अध्ययन का विषय है और इस अध्ययन के लिए वक्त चाहिए। तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप देश को लॉक करने के बारे में सोच सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट केंद्र को सलाह दे रहा था आज, तो ऐसे में क्या केंद्र पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर विचार कर सकता है, क्या केंद्र को ऐसा विचार करना चाहिए? जान है तो जान है, इस थ्योरी को आप किस तरह से देखते हैं? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, फोन कीजिए और अपने विचार अब तक पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज, हरियाणा की आवाम के लिए जहां खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं, कोरोना की नई लहर कब तक कहर, इस पर भी अपनी बात रखिए। आपके इलाके में कैसे हालात है, वैक्सीनेशन के लिए आप जा रहे हैं क्या, वैक्सीन लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे, क्यों नहीं लगवाएंगे, जब बार बार आपको बताया जा रहा है, अनेकों उदाहरण, करोड़ों उदाहरण है आपके सामने कि यह वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है, अभी तक कोई भी ऐसी खबर निकलकर सामने नहीं आई जिसकी वजह से आपके मन में कोई शंका या कोई डर हो। हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे लिए जो ये रामबाण निकालकर एक दिया है, अचूक एक क्षमता जो आपको आपकी बॉडी में इम्यून को एकदम से बूस्ट करता है, और इसके 2 डोजेस लेकर आप बहुत और भी मजबूती के साथ कोरोना से फाइट कर सकते हैं। इसके लिए आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, रजिस्ट्रेशन करवाया आपने कि नहीं करवाया, क्योंकि सरकार ने अब 18+ को भी ये सुविधा दे दी है। दूसरी लहर कहर कब तक, इस पर हमारे साथ जुड़िए। कोरोना इस बार इतना घातक क्यों है, इस पर हमारे साथ जुड़िए। हरियाणा की आवाज में हमारे साथ जुड़े। प्रदेश में किस तरह के हालात है, आपके अपने जिले में, अपने शहर में, अपने कस्बे में कैसे हालात है, लॉकडाउन है आज से, आप संपूर्ण लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं, इस पर भी आप अपनी बात हमारे सामने जरूर रखें। खबरें निकलकर हम अब तक पहुंचा रहे हैं, कोरोना अपडेट कर रहे हैं, तो बीच बीच में जो अपडेट कर रहे हैं उस पर भी जुड़िए। जैसे कि सिरसा में आप देख रहे हैं क्या कोशिशें हो रही हैं, इस बड़ी खबर के जरिए हमने आप तक पहुंचाया। आपके कस्बे में अगर ज्यादा मामले हैं तो क्या माइक्रो और मैक्रो कंटेनमेंट जोन को लेकर कुछ आप देख रहे हैं, वैक्सीनेशन को लेकर क्या देख रहे हैं, अस्पतालों में कैसी व्यवस्था है, जो लोग घर में होम क्वारंटीन है, आइसोलेट है, उन्हें किस तरह से अपने आप को ठीक करने में प्रशासनिक मदद मिल रही है, दवाइयों का क्या, आपको अभी भी दवाइयां इंजेक्शन जो है वो महंगे रेट्स पर मिल रहे हैं। अभी अभी मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी किया है कि अब दुकानदारों को अपने दुकान के बाहर रेट लिस्ट लगाना होगा कि आप किस रेट में, किस कीमत पर कौन सी दवाई बेच रहे हैं। ये कितना अहम फैसला, कितना उपयुक्त आप इसको मानते हैं? ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था क्या, जब कालाबाजारी अपने चरम पर आ गई थी, लोग आपदा में अवसर तलाशने लगे थे? इस पर भी जुड़िए हमारे साथ। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, फोन कीजिए, अपने विचार हम तक पहुंचाइए। देश भर में जारी है कोरोना का कहर, प्रदेश में भी हालात बेकाबू हैं, लगातार बेलगाम दिख रहा है कोरोना। गुरुग्राम से हमारे रेगुलर कॉलर राम जुड़े हैं। राम जी नमस्कार। अनामिका जी नमस्कार। नमस्ते सर, कहें। अनामिका जी मैं बताना चाहता हूँ आखिर जवाबदार कौन। अनामिका जी जी मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, सबको पता है जी युगों से नेता लूट रहे थे, लेकिन एक ज्ञान की बात है वो तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, इसका कारण कौन है, जवाबदार कौन है। अब जनता के पास एक अधिकार है वोट डालने का, उस वोट के माध्यम से मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया ताकि हमारी समस्याओं को सुने, भ्रष्टाचार को, महंगाई को और बेरोजगारी को दूर करे। लेकिन जिस दिन से मोदी जी आए सिर्फ और सिर्फ नफरत, जहां भी जिस भी स्टेट में गए इन्होंने उनके मुख्यमंत्रियों को, उनके मतलब है कि नेताओं को इतने अपशब्द बोले, शायद किसी प्रधानमंत्री ने मेरे ख्याल आज तक नहीं बोले होंगे, और ये कोस कोस कर अपना सिर्फ कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं।
अगर आपने 370 हटा दी, मैं कहता हूँ अनामी के चलो अच्छा किया, बाकी वो अज्ञानता थी, पूर्वज ने लगाई थी तो वो पागल नहीं थे, बेवकूफ नहीं थे वो, तल्ला गए। लेकिन आप बार बार कुर्सी को हत्याने के लिए पर जख्मों पर नमक छिड़कते हो, हट गई कोई बात नहीं, तलाक कर लिया कोई बात नहीं, मंदिर बन गया कोई, बार बार उन्हीं चीजों को लाके आप जख्मों को हरा करते हो, नमक डालते हो, ये कहाँ का इंसानियत है, ये एक श्राप है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमने राजा को इसलिए चुना था। राम जी राम जी राम जी, मैं आपकी तमाम बातें तो समझ रही हूँ, पर 370 वाला और ये तलाक वाला मुझे समझ में नहीं आया कि जख्मों को कुरेदने जैसा कैसे है, ये तो देश की मांग थी। मैं बता नामिका जी, मैं आपको एक दिन आपके पास आऊंगा और तथ्यों से और विश्लेषण करके समझाऊंगा मैं आपको कि ये क्या चीज है और किस लिए लगाया। चलो हट गया कोई बात नहीं, तलाक भी आपने हटा दिया कोई बात नहीं, बार बार नमक तो मत छिड़को कोई बात नहीं, हट गया। सवाल ये है, अब मैं आपको आगे आना बताना चाहता हूँ कि जवाबदार कौन। अब जो ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जब हमने राजा बदला इसीलिए तो बदला था, जब आपने हर काम में श्रेय लिया, वैक्सीन सबसे पहले मोदी जी, सबसे पहले हवाई जहाज के बुरहान से लेके आए, और सबसे पहले नोटबंदी करी, सबसे जीएसटी, सारे काम अच्छे करे। लेकिन अब इसका जवाब कौन लेगा, जो भ्रष्टाचार और ऑक्सीजन नहीं मिल रही और जो काला बाजारी हो रही है, इसका जवाबदार भी तो मोदी जी को लेना चाहिए। बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब ये है। बाकी और ज्ञान की बात करनी है तो मैं आपको योगा के बारे में भी बता सकता हूँ और संजीवनी बूटिया के बारे में बता सकता हूँ और ज्ञान के बारे में बता सकता हूँ कि सीता छाया का अर्थ क्या, मतलब क्या है, राम और दशरथ और रावण का अर्थ क्या है, ये सारी चीजें समझने की है। बहुत गहनता से पाताल तक उतरना पड़ेगा जब समझ में आएगी अनामिका जी। बाकी तो ये जो समय जो फोन के ऊपर इतनी बातें नहीं होती, ये सिर्फ एक डिबेट के ऊपर हो सकती है जब मुझे आप समय दे हो। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। राम की तरह आप भी जुड़े हैं, आपके विचारों का भी हम स्वागत करते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हमें फोन करें। एक दर्शक जुड़े हैं, राजीव ने हमें फोन किया। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए सर। राजीव जी अपनी बात रखिए। राजीव जी बोलिए। चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, दोबारा जरूर फोन करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें, हरियाणा की आवाज के साथ जुड़े। ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, नंबर ये रहे, फोन उठाइए, हमें मिलाइए। और कोरोना पर किस तरह के हालात हैं, क्या पूरे देश में लॉकडाउन की जरूरत महसूस कर रहे हैं आप, इसके चेन को ब्रेक करने के लिए क्या यही एकमात्र विकल्प बचा है, इलाज को लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति को और ज्यादा बेहतर बनाया जाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं और इलाज मिल सके। ये अच्छी बात है कि हम एक बेहतरी की दिशा में जाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन फिर भी मौत का आंकड़ा कम नहीं हुआ है, इसे समझना होगा। ना ही संक्रमित मरीजों की संख्या में कोई कमी आ रही है, इस दर को कैसे कम किया जाए, इसको पहले ग्राफ को रोकना होगा, पहले स्थिर करना होगा, उसके बाद हम नीचे ले जाने के लिए ही कोशिश कर सकते हैं। क्या इसके लिए जरूरी है कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया जाए, क्या बहुत ज्यादा सख्ती बरते जाने की जरूरत है? इस वक्त जो लोग बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप, उस पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सामाजिक दूरी को आप कितना फॉलो कर रहे हैं, औरों को फॉलो करते हुए कितना देख रहे हैं, आपके शहर में, आपके इलाके में, आपके कस्बे में किस तरह के हालात हैं, इसी पर हम बात कर रहे थे। और इस कार्यक्रम के समापन के बाद भी आप इस पर बात करना बंद ना करें, बल्कि आपस में आत्ममंथन करें और देखें कि हर तौर पर हर तरफ से कितनी कोशिशें हो रही हैं इस कोरोना से जंग को जीतने के लिए। हरियाणा की आवाज में फिलहाल यहीं रुक रहे हैं। नमस्कार।